हेलो, दिस इज डॉक्टर कृष्ण। आई एम ईएनटी सर्जन एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट बेस्ड इन दिल्ली। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ कुछ ऐसे कान नाक गले से संबंधित और एलर्जी में कुछ कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो जिसका टीवी में एडवर्टीजमेंट होता है और वो एडवर्टीजमेंट काफ़ी मिसलीडिंग होता है, जिसकी वजह से जनता मिसकंसेप्शन में उसको काफ़ी टाइम तक दवाइयाँ यूज़ करती है और उससे काफ़ी भारी नुकसान होता है। जब तक किसी को रियलाइज होता है तब तक काफ़ी पेशेंट का काफ़ी इरिवर्सिबल नुकसान हो चुका है, जिसको हम दवाइयों से सही नहीं कर सकते। फिर उन केसेस में हमें सर्जरी या फिर ये करना पड़ता है। तो उनमें कुछ कुछ है, मैं इन मेडिसिन का यूज़ करते समय एक मेडिकल एडवाइस पेशेंट को बोलूँगा कि मेडिकल एडवाइस लेना प्रेफर करें। प्लस दूसरी चीज़, इनमें से काफ़ी मेडिसिन हैं जो ओवर द काउंटर हैं, मतलब बिना डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन पे अवेलेबल हैं। तो मैं हमेशा अपनी अथॉरिटीज़ को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेडिसिन, इनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और कई मेडिसिन हैं कुछ पर्टिकुलर दिन ही लेना चाहिए, 3 से 5 दिन तक ही लेना चाहिए। पेशेंट उसको लाइफ लॉन्ग लेते रहता है, काफ़ी लंबे टाइम तक लेते रहता है, 2-2, 3-3, 5-5 साल, और उससे काफ़ी नुकसान होता है जो कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफ को काफ़ी इफेक्ट करता है। तो जो हमारे ड्रग कंट्रोलर हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैं, उनको ये चीज़ फैक्ट में लेना चाहिए और इनको ये ओवर द काउंटर लिस्ट से हटाना चाहिए पर्टिकुलरली। सो उनमें कुछ है जैसे कि 0.05% ऑक्सीमेटाजोलिन स्प्रे होता है, जो कि कॉमनली ओवर द काउंटर और टीवी एडवर्टीजमेंट में ऑट्रिविन नाम से आता है। उनमें बहुत ऐसे एडवर्टीजमेंट होता है कि 25 सेकंड में आपका नाक ओपन हो जाएगा और नाक जब भी बंद रहे, सर्दी रहे, आप इसको ले लो, लेकिन वो ये सब चीज़ें नहीं बताते। काफ़ी एक सेलिब्रिटी होगी जो इसकी एडवर्टीजमेंट करती है, लेकिन ये नहीं बताते कि आपको इसको 3 से 5 दिन 5 डेज से ज़्यादा एट ए स्ट्रेच नहीं लेना है, नहीं तो उससे काफ़ी नुकसान होता है, वो आपका इरिवर्सिबल लॉस हो जाएगा, आपका राइनाइटिस मेडिका मेंटोसा हो जाएगा, जिसके ट्रीटमेंट में लंबे टाइम तक स्टेरॉइड स्प्रे चलाना पड़ता है, जो कि बहुत क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी इफेक्ट करता है। सो ये चीज़ कंपनी इंटेंशनली नहीं बताती, अपनी सेलिब्रिटी के थ्रू एडवर्टीजमेंट करेंगे, उनका इंटेंशन ये भी होता है कि अगर हम बता देंगे 5 दिन से ज़्यादा नहीं लेना तो पेशेंट लेगा नहीं, उनके प्रोडक्ट उतने कम यूनिट्स में सेल होंगे, फिर वो जो सेलिब्रिटी को बुला के करोड़ में एडवर्टीजमेंट के लिए दिया है वो कैसे रिकवर करेंगे। सो दिस इज वन थिंग। सो आप जब भी लें, कभी भी ऑट्रिविन ड्रॉप भी लें, तो 3 से 5 दिन मैक्सिमम एट स्ट्रेस लें, उसके बाद ना लें। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। और वैसे भी आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि नेजल ब्लॉकेज है तो आप ऑट्रिविन लेके खुद से ही मेडिकल ट्रीटमेंट करने लगे, आप हमेशा उसके लिए कान नाक गले के डॉक्टर से दिखाएं, उनको प्रॉपर दिखाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट उनसे पूरा प्रॉपर एडवाइस के बाद ही ऐसी कोई दवाइयाँ शुरू करें। दूसरी चीज़ कफ सिरप के बारे में होता है, ये कफ सिरप जिसमें कि बहुत ऐसे आयुर्वेदिक और नॉन आयुर्वेदिक कफ सिरप भी होता है, उसमें बोलते हैं कि आपको खांसी है ये ले लो वो ले लो। कफ सिरप में भी काफ़ी 3-4 अलग अलग टाइप्स की आती हैं, एक प्रोडक्टिव कफ के लिए, एक ड्राई कफ के लिए और भी बहुत कुछ, उसमें भी कई मॉडिफिकेशन होते हैं और आपको आपके कंडीशन, आपके उम्र के हिसाब से, आपका वर्क प्रोफाइल प्रोफेशनल, क्या आप ड्राइवर हो क्या, जहाँ आपको अगर सुबह ड्राइव करते समय नींद लगे तो काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप की प्रोफाइल को देखते हुए डॉक्टर आपको बेस्ट टाइप ऑफ कफ सिरप देते हैं, जिस जो आपके लिए सुटेबल है, आपकी एलर्जी हिस्ट्री देते समय। अब आप टीवी एडवर्टीजमेंट देख के कोई भी कफ सिरप ले लिया कि टोरिक्स खांसी से आराम दे 2 दिन में 1 दिन में, ऐसे करके आपने ले लिया, हो सकता है उसमें वो प्रोडक्टिव के लिए हो लेकिन आपका तो वो ड्राई कफ है, या आप वो ड्राई के लिए हो आपका तो प्रोडक्टिव कफ है, आपको उस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो, फिर ये सब चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेशन, आपकी इवन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जिससे कि आपकी जान भी जा सकती है। सो कभी भी ऐसे कफ सिरप या ऐसे कुछ ना लें जो बिना बेसिक परामर्श के आप ना लें। एक जरूर आपको लंबे टाइम तक खांसी है, कई बार लोग कफ सिरप लेते रहते हैं महीनों महीनों तक, बाद में पता चलता है उनको टीबी की बीमारी है। सो ये चीज़ आपको, और ये कहीं ना कहीं इसका नुकसान होता है कि ये जो टीवी में जो सेलिब्रिटी बेस्ड एडवर्टीजमेंट चलते हैं उसकी वजह से होता है कि वो एडवर्टीजमेंट तो चल रहा है लेकिन वो एडवर्टीजमेंट क्या कर रहा है, जो हमारा डॉट्स और डॉट्स प्लस और डिक्शे जितने भी टीवी कंट्रोल प्रोग्राम हैं उन सबको फेल कर रहा है, क्योंकि लोग महीने महीने तक कफ सिरप लेके कफ सप्रेस करके रखते हैं और वो टीवी फुल ब्लोन हो जाता है, वजन काफ़ी कम हो जाता है। सो ये सब चीज़ें इस सीरीज में मैं और भी काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। कई लोग क्या करते हैं, एक और चीज़ है मैं इसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ,
कई लोगों को कान बहता है तो वो कई केमिस्ट के पास जाते हैं कि इसकी दवाई दे दीजिए। केमिस्ट क्या करते हैं, कुछ केमिस्ट होते हैं जिनको और काफ़ी जगह ऐसा होता है, काफ़ी जगह केमिस्ट के शॉप पे क्या होता है कि किसी भी फार्मा ने लाइसेंस लिया है और 10वीं और 11वीं के बच्चे बैठ रहे हैं, 10वीं 11वीं तो 10वीं पास हैं, पास है, उनको तो मेडिसिन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। वो क्या करेंगे, वो एक उन्होंने दवाई याद रख ली है, कोई पर्टिकुलर वैक्स डिसॉल्वेंट जनरली मैल वाली दवाई उन्होंने याद रखी, वो सारे कान की दिक्कतों में मैल वाली दवाई देंगे, आप देखोगे आपका डिस्चार्ज नहीं सही हो रहा है, वो और कॉम्प्लिकेशन कर रहा है, पर्दे जो फटा हुआ है उसकी साइज और बढ़ गई है, फिर आप लेट कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में जाते हो कान नाक गले के डॉक्टर के पास। तो जब भी आपका कान बहता है ऐसा ना किसी केमिस्ट के पास मत जाओ, उन्हें एक चीज़ पता होता है कि मैल वाली ये दवाई है यही देनी है, ये कान की सारी दिक्कतों में देनी है, मतलब उनका जो उनका बॉस होता है वो उन्हें ऐसे बताया रहता है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं जो कान बहता है और उनको कौन सी दवाई दी है, उनको दिया है कोई वैक्स वाली मैल क्लियर करने वाली दवाई, कॉमनली सॉलिवैक्स लोग देते हैं या फॉरवैक्स कुछ भी दे देते हैं, तो मतलब वो मैल में बस काम आएगा, वो कान बहने में नहीं आएगा। तो मुझे आशा है आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा और बाकी इसका पार्ट टू वीडियो हम बनाएंगे जिसमें और भी मॉलिक्यूल्स को कवर करेंगे जिसकी वजह से लोगों में मिसकंसेप्शन रहती है और इससे लोगों का नुकसान होता है। मेरी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कान नाक गले से रिलेटेड होंगे, सो इसके लिए हम पार्ट टू ऑफ द वीडियो में कवर करेंगे वो सब। तब तक के लिए धन्यवाद।